अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम में अपने मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू होती है, मसाइल के हवाले से बिलखसूस, और प्रोग्राम देखने वाले अपने पैगामात भेजते हैं, मुख्तलिफ मामलात और मौज़ूआत की निशानदेही करते हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि मसाइल को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर किया जाए, और मसाइल के हवाले से प्रोग्राम में बात होती ही रहती है, बिलखसूस शहर कराची के जो मसाइल हैं इसके ऊपर गुफ्तगू करने का मौका मिला है। ये बात बार बार दोहराता हूँ कि ये प्रोग्राम का नाम गुड मॉर्निंग कराची है, ज़रूर है, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान का प्रोग्राम है। पाकिस्तान में जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम देखा जाता है, वहाँ के लोग अपने मसाइल के हवाले से निशानदेही करते हैं, और हम कोशिश ये करते हैं कि इसके ऊपर बात ज़रूर करें। मसाइल कमोबेश एक जैसे ही हैं, लेकिन यहाँ पर मसाइल के अंबार लगे हुए हैं। बहुत बुनियादी मसाइल, पानी, बिजली और गैस और इस तरह के जो दीगर मसाइल हैं, ये पूरे पाकिस्तान में ही हैं, लेकिन यहाँ पर सड़कों का ना होना, सीवरेज सिस्टम खस्ता हाल है, ये तमाम मसाइल हैं जिसके ऊपर जो है वो ज़्यादा बात की जाती है। इसके अलावा कुछ सियासी मामलात, समाजी मामलात और ख़ास तौर पर जो मौशी मामलात हैं वो ऐसे बहसात हैं। साथ साथ जो तालीमी मामलात हैं इसके ऊपर भी हमारी कोशिश ये रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम में इसके ऊपर बात की जाए। और इस वक्त जो सूरत हाल दरपेश है, बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है, वो कोरोना वायरस है, उससे एहतियात ज़रूरी है। कोरोना वायरस के हवाले से अभी जिन खदशात का इजहार किया जा रहा था कि चौथी इसकी लहर आ सकती है, नुकसान में इजाफा हो सकता है, उससे उसके बारे में पेश की इतला दी जा रही थी। बहरहाल जी, एहतियात रखना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। वैक्सीनेशन का अमल हमने ख़ुद इसको पेचीदा बना दिया है, और अगर ये बरवक्त मुकम्मल हो जाता तो शायद इस सूरत हाल का सामना हमें ना करना पड़ता। बहरहाल जी, अब वैक्सीनेशन का अमल जारी है बड़ी तेज़ी से। अब लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात इसमें हैं, जो मराकज़ कायम किए गए हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ गया है, एकदम से सारे लोग जो है वैक्सीनेशन की तरफ अब जा रहे हैं, और साथ साथ सिंध सूबे के अंदर लॉकडाउन जो है वो जारी है। तो लॉकडाउन जो है वो इसके हवाले से ख़ास तौर पे बहुत सारे सवालात मौसूल हुए, लोगों को बड़ी तकलीफ़ का सामना गुज़िश्ता दो दिनों में रहा है, उसके हवाले से हमें पैगामात मौसूल हो रहे थे, तो कोशिश ये होगी कि आज इस हवाले से भी प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। और साथ साथ एक मसला जो जब से ये कोरोना की वबा फूटी है पूरी दुनिया में, बिलखसूस पाकिस्तान में, कि जो हुकूमतें हैं, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमतें, हमने देखा कि वो आमने सामने रही हैं फैसलों के हवाले से कि कोरोना को किस तरह काबू किया जाए। वफाकी पॉलिसी एक है और सूबे की पॉलिसी जो है वो एक है, बिलखसूस सिंध सूबे के अंदर जो सिंध हुकूमत ने इकदाम किए उसको शुरू में काफ़ी सराहा भी गया, लेकिन अब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। तो ये सारे मामला हैं जिसके ऊपर आज गुफ्तगू प्रोग्राम में ज़रूर की जाएगी। मौजूद मेहमान यहाँ तशरीफ़ फरमाएं, बिला ताखीर उन्हें खुश आमदीद कहूँगा, और उनसे आज इस मामले पर गुफ्तगू होगी। सबसे पहले जो हमारे मौजूद मेहमान हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, आप हमारे साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में उन्हें देखते हैं, बड़ी खुलकर गुफ्तगू करते हैं और बिलाग तबसरा भी करते हैं, जनाब नईम अमान साहब, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे बड़े खास मेहमान इरफान खान, आपका नाम है, सीनियर वाइस चेयरमैन है ह्यूमन राइट्स इंटरनल फोरम ऑफ पाकिस्तान के, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया इरफान भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। नईम भाई, सवाल आपकी खिदमत में ये रखना चाहूँगा कि जनाब सूरत हाल आपके सामने है और अभी भी चौथी इसकी लहर जो है वो आ चुकी है कोरोना वायरस की, लेकिन वफाक और सूबे आमने सामने हैं। जब सूबे ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई कोरोना को काबू करने के लिए तो उसको सराहा गया, मीडिया में भी सराहा गया, इंटरनेशनली भी इसको बहुत ज़्यादा जो है अप्रिसिएशन मिली, लेकिन अब इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। चले वफाक से तो एक समझ में आता है कि एक सियासी टसल है जिसकी वजह से बयान दिए जाते हैं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि कोरोना को काबू करने के लिए जो लॉकडाउन का रास्ता है ये अब बड़े ममालिक ने छोड़ दिया। उसका एक तरीकाकार उन्होंने वज़ा किया कि वैक्सीनेशन करवाएं, लोगों को एहतियात के बारे में ज़्यादा आगे ही पहुँचाई जाए, इसके ज़रिए जो है वो मामलात ज़िंदगी आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ लॉकडाउन का फ़ैसला किया गया और इस पर बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बहुत सारे तहफ़ात हैं। पहले तो यहाँ से शुरू कीजिए कि जो स्टेक होल्डर्स के तहफ़ात हैं इसको क्यों नज़रअंदाज़ किया गया, फिर हम आते हैं कि वफाक की तरफ जो ज़िम्मेदारी है और वफाक की जो ज़िम्मेदारी है वो क्यों नहीं पूरी की गई या उनसे मुशावरत क्यों नहीं की गई, जिसका गिला जो है वो गवर्नर साहब भी कर रहे थे। फरमाइए।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बात यह है कि कोरोना की भी चौथी लहर है और पूरी दुनिया में जो सूरत हाल है वो इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखा ही रहा है, प्रिंट मीडिया पे, फिर सोशल मीडिया पे, सब चीज़ें सामने हैं। और बात यह है कि इसका तरीक़ेकार बिल्कुल वाज़े और आसान लफ्ज़ों में हर आदमी इसको समझ सकता है। बहुत आसान तरीक़ेकार पहले तो ये था कि आप टेस्टिंग किट्स तैयार करें, टेस्टिंग किट से फाइंड आउट करें, फिर जो है वो लोगों को जो कोरोना ज़्यादा है उनको आइसोलेट करें। और तीसरा ये है कि जहाँ नरमी की ज़रूरत है नरमी और जहाँ सख्ती की ज़रूरत है सख्ती। सख्ती कहते हैं लॉकडाउन को और नरमी कहते हैं कि एहतियाती तदाबीर को। अब सूरत हाल ये है कि क्योंकि कराची में इस वक्त कोरोना की वबा आपके सामने 30% से अबव चली गई है और इसी सूरत हाल के अंदर बात यह कि मैशत और बात यह कि इंसान, दो चीज़ें, ये इंसान बचाएँ या मैशत बचाएँ। इंसान तो अगर नहीं बचाते तो बात यह कि सूरत हाल आपके सामने है और मैशत बचाने जाते हैं तो भी सूरत हाल आपके सामने है। तो बड़े बड़े ममालिक के अंदर जो ऐसे ममालिक थे जो वेल सेट थे, जिनके अगर मैं बात करूँ अच्छी अदवात हैं, वहाँ हर किस्म की सहूलतें मौजूद हैं, वो ममालिक भी जो है वो लॉकडाउन की तरफ गए। लेकिन सूरत हाल ये है कि हम बहुत अरसे दराज से सिंध हुकूमत एक चीज़ों को जो है वायलेट कर रही थी, एहतियाती तदाबीर के साथ जो है वो वैक्सीन जो है वो आप कोशिश करेंगे वफाकी इदारा के खासी तादाद के अंदर मंगाए ताकि हम उस क्राइटेरिया पे चले जाएं जिससे हमें निजात मिल सकती है। फौरी तौर पे तो नहीं लेकिन वक्ती तौर पे निजात मिल सकती है क्योंकि कोरोना के अंदर भी तब्दीलियां आती हैं। अब इस वक्त जो है डेल्टा वायरस है, वो वायरस है जो इंडिया से होता हुआ पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो अब इस वक्त कराची में खासतौर पर इसने बहुत जो है वो पैनिक फैलाया हुआ है। और इसी सूरत हाल के अंदर बात यह कि इंडिया में जो हालात बने और इंडिया के अंदर जो नुकसान हुए वो पूरी दुनिया ने देखे और यही जो है वो वायरस से कुछ ममालिक में जो हालात बना के आया है वो भी इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। अब देखें यहाँ जो हमारे इस वक्त कारोबारी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ ताजर हैं, इन ताजरों को भी समझने की ज़रूरत है क्योंकि बात यह कि कराची जो है वो हब है पूरे पाकिस्तान का। यहाँ से एक बड़ा जो है बड़ी रकम निकलती है जो पूरी दुनिया को जो है सिर्फ पूरे पाकिस्तान के अंदर जाती है। अब जो यहाँ ताजर हैं, यहाँ बहुत सारी एसोसिएशन है, एक एसोसिएशन नहीं है, मिनी ताजर एसोसिएशन, फिर फ्रंट लाइन एसोसिएशन, फिर फला एसोसिएशन, तो फला एसोसिएशन। इसके अंदर जो बड़ी एसोसिएशन है जिनको नुकसान हुआ है वो अगर मैं बात करूँ, इस वक्त होटल इंडस्ट्री है उनको नुकसान हुआ है, शादी हाल इंडस्ट्री उनको नुकसान हुआ है, स्कूल इंडस्ट्री उनको नुकसान हुआ है। इसी तरीके से जो आपकी चमड़ा फैक्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रियल है उनको नुकसान हुआ है। इसी तरीके से और हर आदमी वो जो पतारे पे बैठता है, जो दुकान पे बैठता है, जो छोटा कारोबार करता है उसको भी जो है वो नुकसान उसको फेस करना पड़ा। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर हमने पिछले जब हमने लॉकडाउन किया था उस वक्त भी और हम भी अब भी आज भी चला रहे हैं कि वफाकी हुकूमत को हमने पिछले साल भी एक समरी अरसाल की थी बना के और तमाम जो माहरीन थे, डॉक्टर थे, उनकी मशावरत के बाद कि हम लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। इसी हालात के अंदर जो यहाँ जो मिनी ताजर है, जो दुकानदार है, जो छोटा ताजर है, जिनका जो इनकम है वो 1 लाख रुपए से नीचे, उनको और कुछ नहीं कर सकते, कम से कम इतना कंपनसेट हम करें कि 1 लाख रुपए उनको कर्ज जो है वो वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत मुश्तरका तौर पे मिल के जो है वो दोनों उनको दें और बिला सूद दें उनको। ठीक है। जब तक कोरोना वायरस है, जब तक उनकी जो है वो, जैसे भी आईएमएफ ने 1.5 साल से अपना ऑपरेशन जो है वो बंद किया हुआ है। अब बात ये कि बंद किया हुआ है, वो जो महीने की किस्त जाती थी वो फिलहाल तो नहीं जा रही है, कम से कम वो किस्त जो इस वक्त आईएमएफ को जो जाती है उसका ही बजट जो है वो एलोकेट कर दें और यहाँ इनको जो है वो ताजरों को जो है वो दें। फिर इसी तरीके से स्कूल इंडस्ट्री थी, हम चाहते थे कि स्कूल इंडस्ट्री के जो तमाम स्कूल्स हैं इनकी बिजली जो है वो तकरीबन 8 माह के लिए हम इनकी बिजली जो है वो इनको फ्री कर दें। फिर टीचर जो है उनको आधी जो इनकी तनख्वाह है वो सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत मिल के जो है वो इनको जो है वो दे टीचर्स को, ताकि जो है वो टीचर उनको जो नुकसान उठाना पड़ रहा है वो ना उठाएं। स्टूडेंट तो चलो ऑनलाइन पढ़ ही रहे हैं, टीचर लेकिन कैसे पढ़ाएं ऐसे हालात में जब तनख्वाहें देने के लिए जो है वो नहीं है वसाइल। अब इसके अलावा जो और दीगर इंडस्ट्रियल हैं उनको जो है वो कर्जे भी दिए जाएं, उनको जो फैक्ट्रियां जो गैस से चलती हैं उनको 2 साल के लिए गैस को जो है वो बिल माफ़ कर दिया जाए। बहुत सारी चीज़ें जो हमने इनको सेंड की थी, इनको भिजवाई थी और हम उम्मीद कर रहे थे कि वफाकी हुकूमत की एक बड़ा रिवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है जाता है, ऐसे हालात में वफाकी हुकूमत हमारा साथ देगी। अच्छा, हम कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं, वफाकी हुकूमत और इनके जो हमारे MPA हैं तरीकन साहब वो हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ऐसे हालात में हमें कोरोना से लड़ने की जरूरत है, हम यहाँ लड़ने की जरूरत है, यहाँ ये हमसे लड़ने की सूरत हाल क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो ये जो इस वक्त हालात बने हुए हैं कराची के अंदर खास तौर पर,
इस वक्त हर आदमी समझता है कि कोरोना की वबा है, तमाम अस्पताल इस वक्त पैक हैं। अभी भी आप अस्पताल के आप डेस्क पे जाएं, बिल्कुल काउंटर पे, तो आप उनको कहें मुझे चेक करें, वो चेक करने के बाद अगर वो आपको लिख के देते हैं कि आपको जो है वो सिम्टम्स मिल गए कोरोना के, तो आपको दो ऑप्शन देते हैं। एक ऑप्शन अगर अस्पताल में स्पेस है तो ठीक है, दूसरा आप घर में आपको आइसोलेट करते हैं। अब घर के अंदर ये कोरोना की जो अभी इस वक्त चौथी लहर आई हुई है डेल्टा वायरस, होता ये कि पिछले जो वायरस थे उस वायरस के अंदर अगर मैं आपके साथ बैठा हूं तो ऐसा है कि वो वायरस शायद आप तक जो है वो कन्वे हो जाए, लेकिन ये वो वायरस है कि अगर आप 10 लोग बैठे हुए हैं, 10 लोगों के अंदर अगर किसी में एक में सिम्टम्स मौजूद है तो 10 लोगों को फौरन पकड़ लेता है मुतासिर कर, और उसमें ये है कि पिछले जो वायरसेस थे उसके अंदर ये था कि खून जो जमा देने वाला जो एक उनके अंदर जो सिम्टम्स थे, ये वो है जो खून जमा के फौरन इंसान को जो है वो माजूर कर देता है बुरे तरीके से। और इसके अंदर जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो इस वक्त ऐसे लोग हैं जिनको हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं, जिनको जो है वो शुगर के इश्यूज हैं जिनके साथ, जिनको किडनी के इश्यूज हैं, उनको फौरन अफेक्ट करता है। और अब यहाँ हमारा जो है वो इम्यूनिटी सिस्टम इतना मजबूत नहीं है, इस वक्त ऐसी सूरत हाल नहीं है, हर किस्म के हालात को जो है वो फेस करना पड़ रहा है, माशी हालात भी खराब हैं, महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, ये सब चीजें भी सामने हैं। लेकिन हमें सबने मिलकर बासियत कौम जो है वो हमने इस कोरोना वायरस को मुकाबला करना, और कोरोना वायरस को मुकाबला करने के लिए हम नहीं कहते कि रोटों पे आए और छुरियां और चाकू लेकर आके इसको मारो, बहुत आसान तरीका है, एक मास्क है, एक अदद कपड़ा है, उसको मुंह पे बांधना है बस। अगर बात ये कि अब दो रास्ते हैं इंसान के पास, या इस कपड़े को बांध दें या वो वेंटिलेटर के ऊपर जो ऑक्सीजन है या उसको बांध दें, अब दो मास्क मौजूद हैं, ये आपने फैसला करना है इसको इस्तेमाल करना है ये वाला मास्क इस्तेमाल करना है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि एहतियात ही इसका जो है वो वाहिद इलाज है और इसके ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इरफान भाई फरमाइए, ये जो कुछ हो रहा है इसके ऊपर चाहूंगा एक फसल तबसरा हो कि ये जो फैसले किए जा रहे हैं खासतौर पे जो लॉकडाउन का, अब नईम आवान साहब ने कहा कि ये नागुजीर हो गया, बड़ा मुश्किल फैसला है, यकीनन इतना आसान नहीं था, या तो आप इंसानियत को बचाएं या मईशत को बचाएं, और ये इंसानियत से ही वाबस्ता सारी चीज़ें हैं, अगर इंसानियत नहीं बचेगी, अगर लोग नहीं महफूज रहेंगे तो फिर ये मईशत और ये सारी चीज़ें जो है वो बेकार हो जाएंगी। फरमाइए नसीर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जरूर देखिए, डेल्टा वेरियंट तो प्रिवेल कर चुका है तेजी के साथ, नो डाउट, इसमें कोई दो राय है नहीं। अच्छा, इसमें हमें देखें लोगों को आगाही देने की भी ज़रूरत है और अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं कि ये जी कोई साजिश है वायरस ऐसा ही, और ये शायद यहूदियों की साजिश है। अच्छा, मुल्क में उसके हमें इसको नहीं करना। अब हमारे हम विटनेस कर चुके हैं, मतलब ह्यूज नंबर ऑफ पीपल जो अफेक्टीज हैं कोरोना के, अब तो हर खानदान से आवाज़ आती है कि पहले सोचते ना किसी खानदान में है ही नहीं, हमारे यहाँ नहीं है, तो हर खानदान से आवाज़ आती है कि फलाना जो है वो शिकार हो गया डेल्टा वेरिएंट का। तो उसमें मैं ये कह सकता हूँ, लोगों को ये कहना चाहूँगा इस पर कि ठीक है, अगर आप समझते हैं किसी यहूदियों की साजिश है तो आप यहूदियों की वैक्सीन मत लगवाएं, आपके पास वैरायटी मौजूद है वैक्सीन के अंदर भी, आप एटलीस्ट जाके वैक्सीनेशन करवाएं, और आपकी गवर्नमेंट आपकी हुकूमत इसके लिए बेहतर इकदाम कर रही है और आपकी सेफ्टी को वो उनकी प्रायोरिटी है। और अगर आपको लगता है कि कोई इंटरनेशनल गेम है तो उस गेम में गेम खेलना आता है हम लोग हमारे लोगों को, तो आप अपनी वैक्सीनेशन करवा कर एटलीस्ट सर्टिफिकेशन हासिल करें। और देखिए, लॉकडाउन एक बहुत सख्त फैसला है और गुर्बत की तशरीह करना आसान है, गुर्बत गुजारना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल बजा फरमाया। और जो लोग गरीब हैं उनके हालात अब जाकर देखें, मैं तो समझता हूँ बड़ा जुल्म हो रहा है कराची के लोगों पर, वो अफोर्ड मुतहम्मिल नहीं है लॉकडाउन के। इंग्लैंड की आपने मिसाल दी, वहाँ पर देखें मास्क भी अब लगाने पर पाबंदी नहीं है, लेकिन केसेस हैं वहाँ पर, लेकिन उन्होंने जीना सीख लिया है एसओपीस के जरिए, एहतियाती तदाबीर एसओपीस को इम्प्लीमेंट करवाएं। देखा ना, बाकी चीज़ें तो इम्प्लीमेंट होती हैं, जब इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट करवाने पर आती है तो इम्प्लीमेंटेशन है, तो इसकी भी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, सख्ती से मुराद इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए एसओपीस के ऊपर सख्ती के साथ। की माजरा, एक चीज इसमें शामिल करना चाहूंगा कि हमारे लोगों का मिजाज आपको पता है कि पूरी दुनिया से मुख्तलिफ है, और उसकी मिसाल ये है कि अभी ये लॉकडाउन की सूरत हाल है, लोग में गुज़िश्ता दिन भी देख रहा था, इतवार का दिन था, मोटरसाइकिलों पर बच्चों को बिठा कर चक्कर लगा रहे हैं शहर का ऐसे ही बगैर किसी वजह के, ये जब मिजाज होगा तो फिर सूरत हाल को काबू करने के लिए तो फिर ये सख्त फैसले करने पड़ेंगे। असल में यासर भाई, बस नहीं कि मैं पहले भी इसकी बड़ी तशरीह कर चुका हूँ कि इंसान जो है ना वो सख्ती नहीं पाबंदी में सही चलता है, सख्ती नहीं पाबंदी, ठीक, दूसरे ममालिक में भी पाबंदी होती है, पाबंदी में उन पर फिर उनको थोड़ी सी सजाएं भी फाइन किया जाता है, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। अच्छा, इसी तरह हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो
मुकामी लीडर्स भी हैं, मुकामी लीडर्स भी, वो खुद तो इम्प्लीमेंट करना नहीं चाहते लेकिन वो दूसरों से चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, मिसाल के तौर पर अभी परसों का वाक्य है, मैं मेडिकल स्टोर रात को रुका, मैंने दवाई लेनी थी, एकदम से एक रेड नुमा ना, एक कोई ऑफिसर होंगे डिस्ट्रिक्ट के या डीसी ऑफिस से कोई होगा या असिस्टेंट कमिश्नर होंगे, उनके बीच एक रेंजर्स की गाड़ी पर, उसके एक तीन चार पुलिस की मोबाइल, और एकदम तेजी के साथ ना उन्होंने रेड की, देखा मेडिकल स्टोर ऐसे जितने लोग थे वो हरास्ट हो गए सारे, और जितनी फोर्स थी पीछे सब मिलके बैठे हुए थे और किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ, बताइए, ना किसी पुलिस वाले ने मास्क लगवाया था ना किसी रेंजर्स वाले ने मास्क लगाया हुआ, बताइए। तो जब वही लोग कंप्लायंस नहीं करेंगे की, तो बाकी आवाम कैसे करेंगे, आप कैसे इंप्लीमेंट करवाओगे लोगों से जब खुद इंप्लीमेंट नहीं करोगे उस चीज को। तो बहुत जरूरत है जो लोग भी बैठे हैं गवर्नमेंट के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर या जो भी फोर्सेस के अंदर है, जो लॉ एनफोर्समेंट इदारे के जो करते धरते हैं, उन सबको भी पहले इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, लोग फिर इंप्लीमेंट करेंगे, हम खुद ना करें लोगों से एक्सपेक्ट करेंगे इंप्लीमेंट। और बाकी बात देखें, बड़ी ज्यादा कराची में आपको पता है लोग, कराची के खासतौर पर जो लोकल है उनको आपने नौकरियां तो दी नहीं है। आप मिसाल हमारे सामने कितना रोना रोएगा, एक लड़का, एक नौजवान है, उसको आप नौकरी भी नहीं दे रहे, फिर वो बेचारा फिर मजबूरन वो कोई चिप्स का ठेला लगा रहा है, कोई फ्रेंच फ्राइज बेच रहा है, कोई बर्गर बेच रहा है, कोई फूड डिलीवर कर रहा है, आप फिर लॉकडाउन करके उसको उससे भी महरूम कर दोगे, तो कहाँ, जब खाने को ही नहीं होगा, जब वो वैसे ही भूख से मर जाएगा एसओपीज में, तो फिर सर्वाइव कर जाएगा। तो बहरहाल कोशिश ये की जाए कि लॉकडाउन के सख्त फैसले भी लोगों की हालत देखकर किए जाए, ये भी जरूर, उनके दर्द को फील किया जाए, बिल्कुल ठीक है। अगर वफाक ने आपको फैसिलिटीज नहीं दी है, अगर आपको ओब्लाइज नहीं किया, फैसिलिटेट नहीं किया, तो फिर आप सख्त फैसले भी उसी हिसाब से करें, लॉकडाउन इज नॉट द सोल्यूशन। बिल्कुल ठीक है, वो ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि ये तमाम चीजों का जायजा लेना जरूरी है कि अब, क्योंकि अब आप मशवरा देते हैं कि घरों पर रहें, अब यहाँ पे हाल ये है, मैं खुद अपना वो बताता हूँ आपको कि 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, अब इसके ऊपर किससे सवाल किया जाए कि ये जो लोड शेडिंग है अगर ये घरों में होगी तो लोगों के पास कोई रास्ता नहीं रहता कि वो घर से निकलकर बाहर आ जाए, जबकि लोड शेडिंग को ही आप नहीं कंट्रोल कर सकेंगे तो फिर ये घर पे बैठने वाली बात तो मेरा ख्याल है फिर ये काम नहीं करेगा। यासिर भाई मैं क्या बताऊँ आपको, अब इतने अरसे से हम इस पर डिबेट कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, 4-5 दफा आपकी आकर कराची के मसले पर हमने बात की है, बिल्कुल, लेकिन मुझे ये इतना आज का मसला नहीं है, जो अब जब इन्हें कहें कि पुअर गवर्नेंस या बैड गवर्नेंस की बात करें तो इनको आग लग जाती है। जी, सालों से हम इस शहर में पैदा हुए हैं, किसकी हुकूमत रही है इन मैं तो, मुझे तो बस क्या करें, बेहिसी कह लें, ये कराची के जो अपने आप को वारिस कहते, वो जो करता धरता कहते हैं, जो क्या कहते हैं मालकी करने वाले हैं, जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कह लें या मुहाजिर कौमी मूवमेंट कह लें या जितनी भी इस तरह की जमात है, इनकी कहाँ मर गए, मेरी समझ में नहीं आता क्यों नहीं इनके हकूक के लिए आवाज़ उठाते। और जो दीगर हुकूमत जो भी, चाहे सिंध गवर्नमेंट हो, जो काम करती रही है यहाँ पर, या 3 दहाइयाँ कम होती हैं, 30 साल कम होते हैं काम करने के लिए। अब तो मुझे ऐसा लगता है बस, या मैं माजरत के साथ एक वाकया जो बहुत आम तौर पे कोट किया जाता है मसाजिद में भी और डिफरेंट वर्कशॉप्स में भी, वो मैं कहना चाहता हूँ, अच्छा मुमासलत या रिजेमलेंस जो है ना वो हादसाती हो सकती है, तो एडवांस में एक्सक्यूज कर लेता हूँ कि वो कहते हैं एक देहात था, उसके अंदर पानी का एक कुआं था, सुना होगा आपने भी शायद, तो फिर भी दोबारा इसको रिपीट कर लेते हैं, पानी का कुआं था, उसमें कुत्ता गिर जाता है जी। अच्छा, लोगों को नहीं पता होता, जब पानी उससे यूज करना शुरू करते तो उसमें बदबू आती है, बिल्कुल ठीक है, स्मेल आ रही होती है, तो वो जाते हैं इलाके के बड़े मौलवी साहब के पास और उनसे कहते हैं कि भाई कुएं के पानी में से तो स्मेल आ रही है। तो मौलवी साहब कहते हैं ठीक है जी, एक काम करें कि उन्होंने बताया कि उसमें कोई जानवर गिर गया था जी। तो वो कहते हैं कि ठीक है, 100 बाल्टी जो है ना वो पानी निकाल के कुएं से फेंक दें, बिल्कुल ठीक है, तो पानी ठीक हो जाएगा, फिर इस्तेमाल करें। वो 100 बाल्टी निकाल कर पानी फेंक देते हैं, फेंक दी गई, अगले दिन फिर स्मेल आए, फिर वो आ जाते हैं इमाम साहब के पास, जी कह रहे ठीक है आप 100 बाल्टी और पानी निकाल के फेंक दें, फेंक दें। तीसरे दिन फिर आ जाते हैं, कहते अभी भी स्मेल नहीं जा रही, वो कहते अभी भी स्मेल नहीं जा रही, क्या हो गया? तो मौलवी साहब खुद चलकर आते हैं, देखते तो अंदर कुत्ता मरा हुआ पड़ा हुआ, तो वो कहते अल्लाह के बंदे कुत्ते को तो पहले निकालो फिर उसके बाद 100 गिलास पानी। जो हम जो इकदाम कर रहे हैं वो सारे ऐसे ही टेम्परेरी, हम वो जो जो कोर प्रॉब्लम है ना उसके सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे, ये करना पड़ेगा, ये जंगे चलती रहेंगी, ये 18th Amendment फलाना तो ये तो वो, यहाँ से नहीं मिल रहा, एक यक्षा गवर्नमेंट चाहिए हमें जो एक पेज पर हो, 100% फोर्स एक सेंट में लगेगी तो रिजल्ट आएगा। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल काम है, अभी सवाल भी यही है कि ये तो मुमकिन होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे जो निजाम राइज है उसमें जो निचली सतह पे हुकूमत है, जो बल्दियाती हुकूमत थी वो और रही है, सूबे की हुकूमत और रही है, विफाक में और रही है, कमी ऐसे मौाक़ है,
कि एक वफाक में भी हुकूमत हो, सूबे में भी हुकूमत हो, काम तो उसके बावजूद भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मसला अपनी जगह मौजूद है। बहरहाल इसके ऊपर गुफ्तगू करनी है, छोटी सी ब्रेक आपकी इजाज़त से लेना चाहूँगा, एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कोरोना वायरस के हवाले से, और ख़ास तौर पे जो लॉकडाउन का फैसला है जिसके ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही है, ये मौजू गुफ्तगू है, इसके ऊपर कुछ देर पहले हमने बात की है, ब्रेक से वापस आ गए, इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। नईम अवान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तशरीफ़ फरमाएं, ब्रेक पर जाने से पहले इनसे हमारी कुछ बात हो रही थी, ये फरमाइए जो सवाल का मेरे दूसरा हिस्सा था इससे पहले वो ये था कि विफाक इसके ऊपर बड़ी नालाएँ हैं, और किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी है। खान साहब भी कल इस चीज़ के ऊपर काफ़ी जोर दे रहे थे कि लॉकडाउन से बेहतर है कि कोई स्मार्ट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की जाए, या फिर कम से कम एनसीओसी को अगर फैसलों के अंदर शामिल किया जाए, अगर उनसे मुशावरत की जाए तो वो आपको बेहतर तौर पर बता सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर टेक्निकल एडवाइज़र मौजूद हैं और बहुत सारे लोग हैं, तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। क्यों ये लॉकडाउन के फैसले में और मुश्किल फैसले में, गो के बात किसी हद तक दुरुस्त है कि ये इस वक्त नागुजीर हो चुका है, लेकिन मुशावरत क्यों नहीं हो रही? सवाल ये पैदा होता है कि जब एक इदारा कायम किया गया है तो इससे बात होनी चाहिए, इससे राबता करना चाहिए, इसके साथ कोई ना कोई कम्युनिकेशन होनी चाहिए, उसमें क्यों पीछे रह गया, ये फरमाइए। देखिए, इमरान खान साहब को जो है वो तमाम इनके जो इस वक्त एडवाइज़र हैं, ममनून खुसूसी हैं, फिर वो जो लोग इनके साथ अटैच हैं, वो सब सही सही बताते हैं। ये नहीं बताते कि इस कोरोना वायरस को रोकने का तरीक़ेकार क्या है। बात ये कि ये पहले जब लॉकडाउन लगा, फिर नरमी की, फिर फैला, फिर लॉकडाउन लगा, फिर नरमी की, फिर फैला, और बात ये कि अभी जो नरमी की उसके अंदर इतना फैला कि हद से ज़्यादा फैल गया। कराची की जो मेंटेलिटी है वो इमरान खान साहब को नहीं पता कि कराची में जो लोग हैं जब लॉकडाउन लगता है तो ये बात देखने के लिए आते हैं बाहर कि लॉकडाउन सही लगा है या नहीं लगा। कराची का इनको ये नहीं पता कि कराची के जो लोग हैं, कराची के जो नौजवान हैं, ये एक हफ्ता ईद से पहले शॉपिंग करते हैं और 3 दिन सो के गुजारते हैं, ये ईद जो है वो किसी तरीके से अच्छी गुजर जाएगी। तो कराची की मेंटेलिटी इनको नहीं पता कि कराची के अंदर क्या कॉन्सेप्ट पाया जाता है। बात यह कि इलाज इसका जो है वो वैक्सीन है, और वैक्सीन का मैं आपको बताऊं, अभी जैसे नरमी सरमी सख्ती की बात की, थोड़ी सी सख्ती नहीं करने गए हम, थोड़ा सा एक इलामिया जारी किया कि तमाम जो लोग हैं वो सिम उनकी ब्लॉक कर दी जाएगी। आप यकीन करें कि जितना क्राउड जो है वो आपके जो वैक्सीन सेंटर्स हैं कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते जितना क्राउड और जितना रश वहाँ पहुँचा। एक दिन में 1,59,000 वैक्सीन लगना पूरे पाकिस्तान में, ये एक समझ लें कि एक नई एक रवायत कायम हुई है इस पाकिस्तान के अंदर, और ये एक दिन के अंदर ये जो है वो वैक्सीन लगी है। तो बात ये कि सख्ती के साथ हम नहीं चाहते कि बात ये कि नरमी के साथ सख्ती भी करें। सख्ती इसलिए की जाती है, उसकी वजह ये है कि लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ ऐसे ऐसे लोग एक्टिविस्ट हमारे सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, कभी जो है वो मकनस वो लेके चकमक जो है वो चिपकाते हैं, कभी बल्ब जला के दिखाते हैं, और कभी ऐसे ऐसे जो है वो इडियट हरकतें करते हैं कि लोगों को सही सिम से हटा के किसी और सिम पे ले जाने की कोशिश करते हैं। फिर वफाकी हुकूमत को जो हमें ये कह रही है कि आप इतादी तदबीर पे अमल कराने से पहले आप एनसीओसी से जो है मुशावरत करें, हम तो उनकी मुशावरत में थे ही ना, और अब भी मुशावरत के अंदर मौजूद हैं, लेकिन मुझे कोई ये बताए एनसीओसी में कौन से माहरीन और डॉक्टर इन्होंने बिठाए हुए हैं जो लोगों को बताते हैं कि ये कि कैसे क्या करना है और क्या खोलना है क्या नहीं बंद करना। एक वो मिनिस्टर जो बात ये कि नाहेल होकर उसको घर पे बिठा दिया गया, जिसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, और वो इदारों शुमार बताता है कि 1,19,00,000 लोग बेरोजगार हैं पाकिस्तान के अंदर, और ऐसे जो है वो फैसले कर रहा है इस पाकिस्तान के कि हम तो बात ये कि ना हम लॉकडाउन की तरफ गए तो हम जबरदस्ती नहीं गए, हमें माहरीन ने बताया, डॉक्टर ने बताया हमें क्या करना चाहिए, और अभी भी सूरत हाल सामने। फिर देखें, मैं आपकी टीम को, आपके K21 के चैनल को खराज तहसीन पेश करता हूं, और वो पैरा मेडिकल स्टाफ का अमला जिन्होंने अपनी जानों के नजराने दिए, फिर लाइन ऑर्डर के जो जो हमारे जो लोग हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे, इन सबको, क्योंकि आज भी हम कोरोना पे बात कर रहे हैं। एक इदारा है पिमरा, इस वक्त पिमरा और कुछ ना करे, खुदा के लिए जो 7 से लेकर 12 बजे तक ये किस बार जो एक चलती है ना कि रात को जो टॉक शो शुरू होते हैं, इन एंकर्स को बिठा के इमरान खान साहब एक कमरे में बिठाए और इनको कहे खुदा का वास्ता है यार ये छोड़ दो, ये कब चल गया रहा है पाकिस्तान के अंदर, नवाज शरीफ ने पैसे खा लिए, नवाज शरीफ ने करप्शन कर ली, इनको छोड़ो, कोरोना पे लोगों को जो है वो बताओ कि कोरोना की सूरत हाल खराब है, ये बैठ के हमारे जो पॉलिटिशियन है उनको उनसे एडवाइस उनको उनसे पूछे वो तरीकेकार कुछ बताएं, लोगों को बताएं कि क्या सूरत हाल है। अब सूरत हाल ये कि मुझे कोई बताए
एक आप टेलीफोन करते हैं किसी को तो आगे से एतादी तदबीर का एक मैसेज मिलता है। क्या पिछले साल वाली सूरत हाल आपने देखी, कितने वफाकी हुकूमत ने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बजट दिया है कि टेलीविजन पे बताया कि एतादी तदबीर पे अमल क्या करना है। जैसे जो सूरत हाल पिछले साल थी, क्या प्रिंट मीडिया के अंदर आगाही मुहिम वफाकी हुकूमत ने दी, नहीं दी। सोशल मीडिया में क्या वो आगाही दी, नहीं दी। तो इस वक्त हम जो चैलेंजेस का हमें जो सामना है, इस वक्त हमें बात यह कि हमें जाने बचानी है, इंसान बचाने हैं हमने। यहाँ सूरत हाल बहुत बिगड़ गई है। सरकारी इरशाद नबी है कि जिस इलाके में जिस वबा हो तो उस इलाके को ना छोड़ो। आप उस इलाके में अगर दुनिया से चले जाते हो तो आप शहीदों के दर्जात आपको मिलते हैं, क्यों ना छोड़ो। आज बात यह है कि हम चीख रहे थे कि इंटर बस सर्विस बंद की जाए। कोरोना जो है वो इस वक्त डेल्टा वायरस 23 केस डायग्नोज पंजाब में हुए हैं, तो आप इसको वक्ती तौर पर आप थोड़ी सख्तियां करें। तो बजाय खोल उसको जो है बंद करने के, उल्टा हम पे तनकीद शुरू कर दी। और तनकीद शुरू की आज सूरत हाल क्या है कि आज यहाँ कोरोना का पांचवी चौथी जो जो लेयर है वो अब फैल गई है। अब क्या अब इंतजार कर रहा है वजीर आजम के यहाँ 150 बंदा रोटों में घिर के मरे, जो थाईलैंड के अंदर सूरत हाल बैंकॉक के अंदर जो जो डेल्टा वायरस ने तबाही फैलाई हुई है। क्या कराची के लोग इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि मेरे घर में कोई इफेक्टेड होगा या मुझे जो है वो सिम्टम्स होंगे, मैं ऑक्सीजन पे जाऊंगा और मैं इंटरनेट पे स्टेटस लगाऊंगा मुझे कोरोना हो गया, किस चीज का हम इंतजार कर रहे हैं। हमें आपको बात है कि समझने की जरूरत है। हम अगर आप इस चीज को नहीं समझेंगे तो हम अपनी जिंदगी के साथ नहीं खेल रहे, हम अपने माँ बाप की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, हम अपने बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, अपने बहन भाइयों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। तो और कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ अपनी सोशल एक्टिविटीज को महदूद करना है। कुछ ना करें। खुदा के लिए बात यह है कि अल्लाह पाक इस कराची के अंदर दो चीजें अल्लाह ने वादा किए, एक इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में अपने हाथ में रखी, एक रोटी रिस्क अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है। कोई भूखा नहीं सोता इस कराची के अंदर। कोई बंदा ये कहे मुझे कोई एहतजाज बताए, तीन दिन तीसरा दिन है लॉकडाउन लगे हुए, कोई किसी के कोई कोई कई जगह एहतजाज रिकॉर्ड कराया हो, किसी पतारे वाले ने, किसी दुकानदार ने, किसी चिंची रक्षे वाले ने, तो अल्लाह का शुक्र है सब अपनी जगह जो है वो ये बात सही है, वो ऑर्गेनाइज सब अपनी जगह ठीक है। बिल्कुल ये बात ठीक है, ये बात किसी हद तक मान लेते हैं कि ठीक है हालात इतने वो नहीं है, लेकिन वो एहतजाज रिकॉर्ड कराने वाली बात ना नईम साहब वो एक है, उसके लिए ऑर्गेनाइज होना पड़ता है। रियासत का काम है हर तरीके से जो है वो फैसिलिटेट करना। अच्छी बात, रियासत फिजिकली तौर पे मेंटली तौर पे तैयार है। अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता ऐसी सूरत हाल बने। आजकल मोबाइल फोन का दौर है, एक वीडियो बनती है वो शेयर होती है, फिर उसके साथ जो लोग खड़े होते हैं इस कराची के अंदर, एक बड़ी अल्लाह ताला ने इस कराची को ऐसा एक अल्लाह पाक ने एक दिया है चीजें कि यह कराची में भूखा सरवाइव कर सकता है। बिल्कुल ठीक है इरफान साहब, ये फरमाइएगा कि ये नईम ने एक जिम्मेदारी की तरफ निशानदेही की है, यकीनन हमारी अपनी जिम्मेदारी है। हमारी तो अपनी कोशिश यही होती है कि अब ये प्रोग्राम करते हुए तकरीबन कोई चौथा या पाँचवा साल है, लेकिन ये गुज़िश्ता 1.5 साल से यही मौजू ज़ेर बहस है कि कोरोना वायरस से किस तरह बचा जाए। और यकीनन लोग जो है वो इस बारे में बहुत सारे पैगाम भेजते भी हैं कि मुख्तलिफ मौजूदात होना चाहिए, लेकिन क्या करें क्योंकि इंसानियत की बका का मसला है। फिर ये कि मीडिया की जिम्मेदारी की इन्होंने बात की कि यकीनन एक भारी जिम्मेदारी आयद होती है, लेकिन उसके साथ फिर हुकूमत की भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो कोई ना कोई ऐसी मुहिम चलाए, वरना यहाँ तो गधों और घोड़ों के जरिए पैगाम दिए जा रहे हैं कि वैक्सीन लगाओ, एक गधा आके टीवी पर बता रहा है कि वैक्सीन लगाओ, तो ये हमारा हवाल। अब मीडिया क्या करे, ना चाहते हुए भी यही टूल हैं जो इस्तेमाल करना पड़ेंगे। बड़ा मुश्किल है ये समझना, लेकिन अब क्या करें, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फरमाइए। देखिए फर्स्ट रिस्पांसिबिलिटी तो गवर्नमेंट पे आती ही आती है, वो तो स्टेट है ना, बिल्कुल ठीक है। उस पे उसको तो मैंडेट दे के आवाम लाई है, उन पे भरोसा किया है, उनकी तो जिम्मेदारी बनती ही है हर हवाले से, बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात, एज एन इंडिविजुअल हमें भी अपना रोल प्ले करना चाहिए, सबको इसमें सपोर्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी, और हर किसी को अपनी जान प्यारी है। तो SOP में कोई, मैं समझता हूँ कंप्लायंस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, और अवेयरनेस भी इनको देनी चाहिए, प्लस ऐसे मेजर्स भी लेना गवर्नमेंट के, उनकी फिर जैसे एहतजाज की बात, एहतजाज हुए हैं आपको पता है, ताजिर ब्रदर ने कई एहतजाज किए हैं, वीडियोज भी वायरल हुए हैं, फिर अगेन रक्षे वाला बेचारा, वो रक्षा उसका अपना भी नहीं होता कहीं सूरत में, वो किसी ने उससे ठेके पे लिया होता है, वो अपनी मजदूरी करता है, रक्षे के मालिक को भी दे रहा होता है, वो सर्वाइवल की इतनी खतरनाक जंग लड़ रहा होता है, वो उसको कल का नहीं पता मेरी घर में चूल्हा जलेगा नहीं जलेगा, फिर मजबूरन वो फिर किसी शेल्टर हाउस या रोड पर अब भीख मांगने के लिए खड़े हो जाते हैं। अभी आप भी इसी शहर में रहते हैं, कहीं गाड़ी रोक लेते तो आपके साथ क्या मामला होता है, कोई जंगल भी होगा ऐसा समझ नजर नहीं आता, अपने गाड़ी रोक के टक 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 आपका शीशा बच जाता है। ऐसा ही तो हालात भी खराब है कराची के, मैं कहता हूँ एट द वर्ड्स हैं बहुत ज्यादा खराब है, और जो हमें नजर नहीं आ रहा, और ये एक लावा पक रहा है, और इसको जो है ना डिफ्यूज करने की जरूरत है, बहुत ही कोई इफेक्टिव मेजर्स लेकर, कोई
इसको डिफ्यूज़ करना चाहिए और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी चाहिए और मैरिट इंश्योर करने चाहिए। अगेन एक तो चलो कोरोना की तो बात अपनी, लेकिन जब माशी मसाइल की बात आती है तो फिर सियासी खुद ब खुद आ जाती है। मैं एक चीज़ और शामिल करूँगा इसमें, आपसे इसके बारे में भी बात करूँगा कि अभी मैं ये रास्ते में आते वक्त सोच रहा था कि ये आबादी के तनासुब से अगर वैक्सीनेशन फराहम की जाए तो क्या होगा, क्योंकि मैं तो इस चीज़ पर बिलीव करता हूँ ना, पूरी दुनिया में जो रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो होती है एज पर सेंसस के जो आपके पास फिगर आता है। तो मैं नहीं, मैं एक दिमाग में एक वो आया, मैंने सोचा कि अगर 1,60,00,000 वैक्सीन है तो यहाँ तो तकरीबन 3 करोड़ के लोग हैं, तो आधी आधी वैक्सीन के ऊपर फिर गुजारा करना पड़ेगा। ये तो टेक्निकली स्पीकिंग, अब इसके बारे में दिमाग में ऐसा ख्याल आया, प्रोग्राम में मैंने हाईलाइट किया कि सेंसस होनी चाहिए सही। सेंसस जब तक ठीक नहीं होगी आपको एनएफसी सही नहीं मिलेगा, फिर एनएफसी, फिर एनएफसी के बाद पीएफसी का एक अलग मसला है, वो भी नेपोटिज्म की नजर हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हों, सेंसस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फेयर सेंसस होना का बहुत ज़रूरी है ताकि आपको आप उसके हिसाब से एनएफसी अवार्ड हो, आपके रिसोर्सेज वैसे ही हों, जब अच्छे रिसोर्सेज होंगे आपके उस फंड होगा, आप आराम से केटर कर पाएंगे अपनी जो भी आपके अंडर स्ट्रेंथ है उसको मेंटेन कर पाएंगे। तो ये जरूरी है, या से अगेन ये नहीं हो पाएगा, नहीं हो नहीं रहा है सालों से इस चीज़ को, पहला वाक्य तो नहीं है इसके लिए, वही जो मैं मिसाल दे चुका हूँ पहले 30 सालों में नहीं हो पा रहा, तो आगे भी अगले 30 साल हम बहस करते रहेंगे जब तक कोर प्रॉब्लम को नहीं एड्रेस किया जाएगा। तो ये जरूरी है। और दूसरी, अभी आपको कोरंगी में एक वाकया हुआ, आपने देखा होगा, एक बच्ची का जो अब नई साहब ने भी विजिट किया था, तो वहाँ एक बच्ची के साथ ज्यादती हो गई और फिर जब वो उसके पेरेंट्स गए कंप्लेन करने के लिए तो पुलिस ने कहा है कि आप अपने रिश्तेदारों में ढूंढे पहले, देखें, FIR रजिस्टर नहीं की, उसके पीछे गए नहीं, और नतीजा क्या हुआ, उस बच्ची अपनी जान से भी गई और इतना दर्दनाक वाकया हुआ। बिल्कुल ऐसा ही। तो उसमें देखें बड़ी प्यारी बात करते हैं कुछ लोग आकर के, मकामी लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जब तक मकामी पुलिस नहीं होगी, मकामी ब्यूरोक्रेसी नहीं होगी, कराची का दर्द भी कोई नहीं समझेगा। बिल्कुल, अपना छांव में तो मारता है, बड़ी कहावत कही जाती है। अब आप ये देखिए, मुझे हमने देखा पिछले जब वायलेंट पॉलिटिक्स का शिकार था कराची हमारा, तो हमारे देखने में ये बात आती थी कि वो लोग जो दूसरे इलाके के होते थे वो किसी दूसरे में इलाके में जाकर पुरतशद्दुद कार्रवाई करके वापस भाग जाते थे, क्योंकि उन्होंने उसका हिसाब नहीं देना। लेकिन जो बंदा लोकल है जिसका स्टेक लगा हुआ होता है वो बड़ी एहतियात से काम लेता है, मेरी इज्जत है, मैंने लोगों को मुंह देना है, मैंने चीजें संभालनी है। तो यही चीज यहाँ पर भी अप्लाई होती है, ठीक है, हर शहर के। तो आप कोशिश करें कि जो लोकल है उनको प्रायोरिटाइज करें उनको। अच्छा, एक चीज और, क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग अब जरा बात होती है ना कि क्या कुछ हो सकता है, तो ये जरा अगर आपके पास जो लोकल बॉडीज का अगर सिस्टम इफेक्टिव होता ना, इफेक्टिव काम किस तरह करता, उसकी इफेक्टिवनेस आपको कैसे नजर आती, आप एक एक टाउन को, एक एक आप जोन को, एक जो उसका रिस्पॉन्सिबल है, जो यूसी का चेयरमैन है, उसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते कि आपने लोगों की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट भी करना है, प्लस ये कि उनको फैसिलिटेट भी करना है। ये हम आपको टास्क देते हैं कि अगर यहाँ से नंबर ऑफ केसेस 100 केसेस अगर आए हैं तो इन डे और टू आप इसको जो है वो 50 के ऊपर लेकर आएंगे। वो आपके ऊपर है कि आप चाहे उसको लॉकडाउन की शक्ल में लेकर जाएं, आप किसी भी तरह करें, अगर आपको पता चल जाए इस घर में कोई केस हुआ है आप यहाँ पर इनको पाबंद करेंगे। ये अगर स्ट्रैटेजी अपनाई जाती तो शायद ये जो आपने ओवरऑल एक लॉकडाउन लगाया है, ये जो इतना मुश्किल फैसला किया, ये जिम्मेदार है ना, इनकी अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है, इनको पेनलाइज करना चाहिए। अच्छा, एक सॉरी, एक चीज और, मैं एक और बात यहाँ इसलिए तस्करा करूंगा कि अभी आपने जो रेट की बात की, ये जो आपने उनको भेजा हुआ है जो डिप्टी कमिश्नर्स और इनके साथ जो इनकी टीम है, ये जो फाइन लग रहे हैं, ये जो पैसा कलेक्ट हो रहा है, इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी है, इसके लिए कोई अकाउंट फॉर है? क्योंकि मेरी नॉलेज में ये आया, एक जगह पता ये चला कि जो पेनल्टीज, ये जो फाइन लग रहा है, ये कैश की सूरत में लग रहा है और इनका कोई बकायदा चालान या कोई रिसीट इसकी नहीं है। अब आगे बताइए, इससे ज्यादा और क्या कहूँ। ये शहर में रहते हैं हम, भी शहर में रहते हैं, ये जब अक्सर 90% केसेस में जब ये बात हो जाती है ना, तो इनका एक फोकल पर्सन होता है मिडिल मैन, वो जाके कोई डील बना लेता है। अच्छा, एक को टारगेट करते हैं, 10 लोग आगे खुद ब खुद वो फोकल पर्सन से रब्ता करते हैं, तो उनके लिए आंखें बंद कर ली जाती है। देखो ये भी है, इस पे इसको भी इंश्योर करें आप और माने इस बात को। कितने लोग केसेस हमारे पास आते हैं, यार फलाना जो है ना, हमारे पास ये यहाँ से फोन आया है, वो फलाना साहब बुला रहे हैं, फलाना कह रहा है मुझसे मिल लो आगे, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा यार, इससे अच्छा पैसे कम करवा दो, अच्छा वैसे लेन देन का मामला करके इसको वैसे ही क्लोज करवा दो। ठीक है, ये अगर चीजें होंगी लॉकडाउन या SOPs के नाम पे, तो फिर कहाँ से आप लोग तरक्की करेंगे, कहाँ से हम आगे की तरफ जाएंगे? अमाउंट ही नहीं, बड़े बड़े अमाउंट की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, आप इसकी क्या बात है? ये तो मैं छोटी सी बात है, ये तो बिल्कुल ऐसा ही, इसको कौन पूछेगा जब इतने बड़े बड़े फंड पता नहीं किस नजर हो जाते हैं, लग रहे होते तो नजर भी आते हैं आपको, आज सारे सब ओवर एम्प्लॉयमेंट हुई भी है, बिल्कुल ऐसा ही, हर जगह भरे पड़े इदारों में लोग, इदारे तबाह हो चुके हैं हमारे, हर जगह करप्शन है, बिल्कुल, और लोगों की तनख्वाह में ही
पैसे चले जाते हैं, वो भी देने को नहीं है लोगों के पास आजकल। लोकल गवर्नमेंट में देखें, अब केडीए का हाल देखें, आप केएमसी का हाल देखें, और रो रहे हैं हमारे पास तनख्वाही नहीं है देने के लिए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इतना कुछ मौजूद है, अगर वो ठीक तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाए, केडीए की मैं बात कर रहा हूँ, तो सारी जिंदगी तनख्वाह देने की परेशानी नहीं होगी। नहीं होगी, बिल्कुल नीयत ही नहीं है काम करने की। यहाँ से वो उन्हें कहना हमने लूटना है और यहाँ से भाग जाना है। ये प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज थी कुछ अर्से पहले, आज ये लॉस मेकिंग एंटिटीज है। ये बड़ी हैरानकुन बात है, शहर कराची जैसे अंदर इतना बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल इदारा लॉस में जा रहा है, अब बैलेंस शीट आ जाए तो इसके ऊपर। भाई मैंने जब रहना ही नहीं है यहाँ पर, मैंने जब रहना ही नहीं है, मैंने यहाँ से कमा कर अपनी जायदाद अपने मकामी इलाके में बना ली, तो भाड़े में जाए, मेरा क्या कर लेना देना इस शहर से, ऐसा ही इसको लूट मार करे तो डिसोन करते हैं, जिसकी वजह से ये हो रहा है। नीम साहब, अब ये बताइए कि ये जो एक बड़ा अच्छा फैसला किया गया कि ये कराची के बीचों बीच जनाब बनाया गया एक्सपो सेंटर के अंदर, बड़ा लोगों को फैसिलिटेट किया, बड़ी सहूलत थी, क्या आपके ख्याल में अब ज़रूरत नहीं है कि हंगामी बुनियादों पर इस तरह के दो या तीन इस तरह के और बड़े मराकज़ जो हैं वो बनाए जाएँ, ताकि ये जो दबाव है इसको कम किया जा सके, क्योंकि वहाँ भी थोड़ी सी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो ख़राब हुई है। ज़ाहिर है जब लोग इतनी बड़ी तादाद में आएंगे और इतनी ज़्यादा वैक्सीनेशन एक वक्त में होगी, तो फिर पैनिक तो होगा और फिर जहाँ पर लोग होंगे। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये भी आपके जो पड़ोसी हैं, ये भी उस दिन शोर मचा रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी लंबी लंबी तकरीरें करते हैं, शेर व शायरी बड़ी करते हैं बीच में, तो वो ये कहने लगे कि ये जी वैक्सीनेशन लगाई जा रही है या फिर ये कोरोना फैलाया जा रहा है कि यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं तो यहाँ तो कोरोना ज़्यादा फैलेगा। फरमाइए क्या कहेंगे इस बारे में। देखिए बात ये कि हमने अपनी तजवीज़ सेंड की थी वहाँ की हुकूमत को कि एमरजेंसी के तौर पर हमें कम से कम भी 35 सेंटर जो है वैक्सीन सेंटर हमें कायम करने चाहिए। बिल्कुल, और उन 35 सेंटर के अंदर बात ये है कि अगर 10,000 वैक्सीन लगती है एक दिन के अंदर, तो मल्टीप्लाई करें तो इतनी वैक्सीन की हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, लेकिन बात यह कि जितनी वैक्सीन हमें दी गई, पहली खेप 5 लाख दी गई, अब कराची एक बड़ा शहर है, बड़ा हब है। अब बात यह कि सिर्फ कराची के अंदर ही सिर्फ वैक्सीन नहीं, कराची से कश्मीर तक इस वक्त वैक्सीन लग रही है, जिस पर कल जो है वो हमने फैसला किया कि वैक्सीन अगर ज़्यादा मकदार में हमें वफाकी हुकूमत देगी तो हम 24 आवर जो है वो तमाम सेंटर को ऑन कर देंगे। अमला मौजूद है, स्टाफ मौजूद है, और इसको मजीद जो है वो फैलाया जाएगा इसको सब चीज़ों को। लेकिन ये होता ये है कि यहाँ असल बात कोई हकायक कोई नहीं बताता। आज अगर कितना अच्छा होता कि आप तरीके इंसाफ का भी एक जो है वो इस वक्त पर्सन बुला लेते तो वो अपनी बता देता कि उनकी पॉलिसी क्या है इस वक्त, तो पॉलिसी जो इस वक्त जो है वो आगाह करता के बताता कि हाँ तनकीद बरा तनकीद बहुत होती है। अब यहाँ कुत्ता काट ले तो उसकी वैक्सीन से हुकूमत के पास नहीं, अब ये नहीं बताएंगे कि वो वैक्सीन देती वफाकी हुकूमत है, वो तमाम सूबों को वफाकी हुकूमत देती है, हम उसको नहीं मंगा सकते, वो एक रूल बना हुआ है, कानून बना हुआ है, कानून तौर पर हम नहीं उसको हम कर सकते। इसी तरीके से जो वैक्सीन है वैक्सीन वफाकी हुकूमत तमाम सूबों को देती है। अब यहाँ हमारे साथ तो यहाँ होता ही है कि सिंध को तो वैसे ही जिस तरीके से यहाँ इग्नोर किया जाता है, जैसे अभी बिजली की आपने बात की, 14-14 घंटे बिजली नहीं है, तो आप ये देख लें कि ये वफाकी एक इदारा है के इलेक्ट्रिक, और वो अब बिजली जो है वो माया नहीं कर रहा, उनको पता है कि इस वक्त लॉकडाउन की सूरत हाल है, गैस की सूरत हाल यहाँ ठीक नहीं है, पानी की सूरत हाल, वो खुद चाहता है कि पानी इतना ना पहुँचे कि लोग यहाँ लोगों को जो है वो मजीद वर्जिश करना ना पड़े, लोगों को मजीद जो है वो उनको रोडों पर लेकर आए किसी तरीके से। तो नुकसान हो रहे हैं इस वक्त, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर हम आप कहाँ खड़े हुए हैं इस वक्त? कैनेडा जैसा मुल्क, मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि वहाँ अपोजिशन हुकूमत जब हुकूमत होती है, जब बनती है, तो वो शक्ल नहीं देखते, लेकिन वो अपने हर उस अपोजिशन का काम ये है कि हर चीज़ को हाईलाइट करते हैं और उस पर जो है वो फौरन काम भी होता है। पहले दिन उनके पास जब कोरोना वायरस पहुंचा तो वो दोनों हुकूमत और अपोजिशन टेबल पे बैठे हुए थे, एक टेबल पे बैठे मौजूद थे। तो वफाक जो है वो उनका बाप का किरदार होता है, तमाम सूबों को साथ लेके चलता है। उनका पहला काम ये था कि एपीसी बुलाते, तमाम स्टेक होल्डरों को एक टेबल पे लेकर आते हैं, इमरान खान साहब उनको आगाही करते हैं। यहाँ वजीर आजम साहब को 1.5 महीने बाद समझ में आया कि कोरोना वायरस भी है। जब यहाँ सिंध हुकूमत को WHO सराह रहा था, अप्रिशिएट कर रहा था कि बेहतरीन अहकाम जो है वो सिंध हुकूमत ने उठाए और इतादी तदबीर पर जिस तरीके से अमल कराया है हम इनको अप्रिशिएट करते हैं, ना सराया तो हमें वजीर आजम साहब ने उल्टा वो क्या किया, वो चलेगा कोर्ट में और कोर्ट में से आर्डर लेकर आए कि अब NCOC फैसले करेगा तमाम सूबों के। अब करे ना NCOC फैसले, करे अगाई मुहिम दे NCOC, लोगों तक पहुंचे ना, वसायल पहुंचाए। हम तो कह रहे हैं कि लोगों को यहाँ परेशानियां हैं, हम जिस हालात से गुजर रहे हैं, हमें लोगों ने यहाँ सिंध में अगर इलेक्ट किया है तो हमें पता है कि अगर ये हालात हम रखेंगे तो दोबारा हमें इलेक्शन में कभी भी वोट नहीं पड़ेंगे। हम अपनी मर्जी से नहीं जा रहे, हम माहरीन की डॉक्टर की राय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। खुदा ना खास्ता मैं फिर वैसे भी वो बात करूंगा, क्या इंतजार कर रहे हैं 200-200 बंदा रोडों पर घिर के मरेगा?
क्या हम इंतजार कर रहे हैं कि आपके अपने आप से बिछड़ेंगे, क्या हम इंतजार कर रहे हैं कि हालात वो कशीदा होंगे जो इंडिया जैसे सूरत हाल, क्या हम इंतजार कर रहे हैं कि मुझे कोरोना होगा तो फिर उसके बाद मैं इतादी तदबीर पर अमल करूंगा। तो इस वक्त हमें और वफाकी हुकूमत को मिल के मुश्तरक तौर पर फैसले करने चाहिए। अभी भी जब लॉकडाउन लगा तो हमने, मैंने कहा ना, यहाँ जो ताजिर इंडस्ट्री थी हमने उनको इत्माद में लिया, लेकिन बहुत इंडस्ट्रियल है। अब होता ये है कि यहाँ बैठ के बहुत तनकीद करते हैं हमारे ऊपर ताजिर भी, लेकिन ताजिरों से कोई पूछे खुदा के लिए, जब ये कोरोना वायरस आया और जब हम आवाम को ये कह रहे थे कि आप घरों में बैठे हैं, हम लॉकडाउन की तरफ जा रहे थे, ताजिर इंडस्ट्री कहाँ थी, ये जो ताजिर एसोसिएशन कहाँ थी, उस वक्त क्यों नहीं समझा रही थी कि 150 का 300 का 900 का मास्क अपने जो है ना सैनिटाइजर नहीं बेचो, ये 100-100 रुपए के मास्क नहीं बेचो, ये ग्लव्स के डब्बे जो 4000-4000 रुपए के बिक रहे हैं ये नहीं बेचो, 500-500 रुपए की दवाई जो 4000-4000 रुपए की अदवात बिक रही थी, या चीनी जो है वो 200 रुपए पे चली गई थी, ताजिर इंडस्ट्री जो उस वक्त एसोसिएशन कहाँ थी, उस वक्त वो उस वक्त सोई हुई थी। अब थोड़ा सा इशू हुआ ना तो आप उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी। तो यहाँ हमें आपको तमाम जो इंडस्ट्रियल है हमें पता है कि नुकसान है, लेकिन अगर हम मजीद नुकसान से बचना चाहते हैं तो दी हुई एतादी तदाबीर की जो आपकी रियासत ने तमाम उल्मा कराम ने फितवे जारी किए हैं कि ये हल है, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। हल आप वैक्सीन लगाएं, हल इसको बचाव का तरीका है मास्क लगाएं, नहीं लगाएंगे तो आप अपने भी जिम्मेदार हैं, आप दूसरों के भी जिम्मेदार हैं। जी लास्टली क्या कहना चाहेंगे? तो यासर ठीक बात है, बिल्कुल कंप्लायंस बिल्कुल होनी चाहिए। और दूसरी बात, अच्छा आपने कहा कि हमारी बिजली मैसर नहीं, हमारे पास लोग बिजली अपनी खुद पैदा कर रहे हैं जनरेटर्स के थ्रू और जो भी सोलर पैनल लगाकर, पानी नहीं है, पानी लोग खुद निकाल रहे हैं बोरिंग सेटअप करके। अच्छा इसके अलावा गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई है, गैस नहीं आ रही भाई, रात को 10 बजे के बाद दिन बड़ी लंबी लंबी लोड शेडिंग हो रही है गैस की। फिर कचरे का बुरा हाल है यासर, मैं क्या बताऊँ, एजुकेशन का मैं बस, हमारा तो अल्लाह ही हाफिज है, हमारी बैकबोन तोड़ दी गई है, एजुकेशन का निज़ाम इतना ख़राब है। मैं बताऊँ, जिस स्कूल से मैंने तालीम हासिल की थी ना, आज वो कचरा कुंडी बना हुआ है, उसके आगे इतना वो डंपिंग पॉइंट बन गया है गार्बेज का हमारे इलाके का। तो बस हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्तान क्या होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। इसमें थोड़ा सा मैं कंक्लूड करूंगा, जिस एजुकेशन निज़ाम की बात करें, मेरा अपना एक रिलेटिव कराची से पढ़कर केपीके गया, वो यहाँ पर तीसरी क्लास में, जब उसका वहाँ टेस्ट लिया गया तो उसको 7वीं क्लास में लिया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध जो है वो सूबा बहुत आगे हर लिहाज से, दीगर सूबों के लोग भी सुबह में पढ़ने के लिए आते हैं, यहाँ मजबूर हो गया। हाँ बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल। तो हम काफ़ी चीज़ों के अंदर हम आगे और इंशाल्लाह ताला आगे और मजीद आगे जाने की जरूरत है, लेकिन उस सूरत के अंदर बात ब्रेक ले लेते हैं, फिर हो सकता है कि उसके ऊपर और क्योंकि एक नई बहस छेड़ दी है तो उसके ऊपर एक नई डिबेट होनी चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा, आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कुछ कोरोना वायरस के हवाले से, और आखिर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई है कि जो तालीमी निज़ाम है उसके हवाले से भी बात होती है अपने प्रोग्राम्स में, लेकिन कोरोना की वजह से ये भी बुरी तरह मुतासर हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुश्किल फैसले आखिर कब तक किए जाएँगे, और इसके साथ साथ जैसे मईशत के हवाले से बात हो रही थी, एक और बड़ा अहम जुज़ है माशरे के लिए वो ये कि यहाँ पर तालीमी मामलात पहले ही दुरुस्त नहीं थे। जो राइज निज़ाम है उसके हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू होती रहती है, और उससे यकीनन सभी बखूबी वाकिफ़ होंगे। कैसे अब स्कूलों को बंद रखा जाएगा? कल खान साहब फरमा रहे थे कि वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद ही फिर स्कूल्स को खोला जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपकी तरजीहात में क्या चीज़ शामिल है? जैसे पूरी दुनिया में हुआ कि तरजीह बुनियादों पर जो फैसले किए गए उसमें तालीम का शोबा भी सरफहरिस्त था, और अब हमारे यहाँ अभी तक ये सूरत हाल जो हम समझने से कासिर है। पहले ये बात हुई कि ऑनलाइन एजुकेशन का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाएगा, लेकिन वो किस हद तक जो है वो कामयाब रहा वो भी सबके सामने है। तो बहरहाल अब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे खुदा ना करे अगर इसी तरह की सूरत हाल रहती है, मामला यकीनन इस वक्त काबू में आ जाएंगे, बाद में अगर कोई और वबा की लहर आ जाती है तो फिर उस वक्त क्या आप करेंगे, क्या आपके पास ऑप्शन होंगे, ये समझना जरूरी है। इरफान भाई, ब्रेक पे जाने से पहले वैसे तो कोरोना के हवाले से बात हो रही थी, लेकिन ये क्योंकि बड़ा हसास मौजू है और सवाल ये अब हमेशा ही आपसे पूछता हूँ कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और फिर पांचवी लहर, खुदा ना करे अगर ऐसे रहता है, आपके पास पॉलिसी क्या है? रास्ता तो हमने देख लिया कोई नहीं है सिवाय लॉकडाउन के, आपके पास कोई दीगर ऑप्शन आप जेर गौर लाते नहीं। तालीम के हवाले से क्या करेंगे? अब ये जो नुकसान पे नुकसान होता जा रहा है, अगस्त में जो तालीमी सिलसिला दोबारा शुरू होना था,
अब वो भी ज़ेर इल्तवा है, फरमाइए। देखिए यहाँ से दुनिया में बहुत सारी चीज़ों ने इवॉल्व किया है, ठीक है, एवोल्यूशन होता है जी। अच्छा, जब ऐसे हालात आते हैं तो एक डिस्टेंट लर्निंग आज की पैदावार नहीं है जी, जी। पढ़ाई होती रही है, फिर ऑनलाइन लर्निंग की तरफ हम आ गए, वर्चुअल लर्निंग की तरफ आ गए, ठीक है। इसमें हमें इस बात पे के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि हमें हो सकता है शिफ्ट होना पड़े जी। ये फिजिकल लर्निंग से हटकर जो स्कूल्स हैं इनसे जाकर हमें वर्चुअल लर्निंग की तरफ या जाना पड़ेगा, ऑनलाइन ट्रेनिंग से तो होना चाहिए और होता ही चाहिए। देखिए एक टाइम होता था, एक वक्त था जब हम हमारे पास जो डायल वाले फ़ोन हुआ करते थे जी, फिर उससे हम वो बटन वाले फ़ोन पर आ गए और चेंज हुए टेक्स्ट मैसेज करने पर, फिर उसके बाद उस फोन से हम आज स्मार्टफोन पर आ गए, स्मार्टफोन पर आ गए, हमने शिफ्ट किया ना एक चीज़ से दूसरी तरफ, स्मार्टफोन पर आ गए, फिर ऑनलाइन चीज़ें भी करने लग गए। पहले हम खुद जाया करते थे शॉपिंग करने, अब डिफरेंट जो है ना ऐप्स हैं और ऐसे ही घर पे आपको चीज़ आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप घर पे बैठे आप शॉपिंग कर सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। इसी तरह आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे शिफ्ट कर सकते हैं, करना चाहिए, ये तो होता है और ये हिस्सा है जिंदगी का। लेकिन हमने ये देखना है कि हमारे यहाँ जो लोग बैठे हैं जो जिम्मेदार हैं, वाकई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। जैसे मैंने एग्जांपल दी आपको कि जिस स्कूल में मैंने पढ़ा था आज वो कचरा कुंडी यानी डंपिंग पॉइंट बन चुका है गार्बेज का, लोग वहाँ जाकर अपना कचरा फेंकते हैं और हमारे शहर में पता है डंपिंग पॉइंट्स नहीं है, नहीं, और आए दिन ये मसला आता है भाई मेरे घर के आगे डंपिंग पॉइंट बना दिया, उसके घर के आगे डंपिंग पॉइंट बना दिया, इसके घर के आगे, इस स्कूल के आगे डंपिंग पॉइंट बन गया, इस हॉस्पिटल के आगे डंपिंग पॉइंट बन गया। कुछ पुराने टीचर्स आज आकर वहाँ बैठते हैं और वो बेचारे बैठ कर चले जाते हैं। अच्छा, कोई भी शख्स जिसके पास थोड़े बहुत भी पैसे हैं वो अपना पेट मारकर भी बच्चे को प्राइवेट स्कूल भेजेगा, गवर्नमेंट स्कूल नहीं भेजना चाहता कोई, क्योंकि ना वहाँ तो वॉशरूम सही है, ना वहाँ तो क्लासेस सही है, और अनफॉर्चुनेटली ना टीचर्स की कोई सीपीडी, कोई प्रोफेशनल डेवलपमेंट का कोई प्रोग्राम ही नहीं है, नहीं। क्योंकि आदमी जब सीख नहीं रहा होता ना वो फिर भूल रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही ऐसे है ना सीखने का मतलब, या तो आप सीख रहे हैं या फिर आप लूज कर रहे हैं, जारी रहना चाहिए। अगर जारी नहीं है तो फिर आप लूज कर गए हैं, जो आता था वो भी भूल चुके होते हैं। तो गप्पे शप्पे होती हैं, चाय पानी होता है, दो चार लोग आते हैं उठ के चले जाते हैं, खंडरात का माहौल स्कूल्स जब शो कर रहे होंगे तो क्या आप वहाँ पे सीखेंगे, क्या तालीम देंगे, और कचरा कुंडी में फिर अगेन लॉकडाउन में प्राइवेट स्कूल्स पर ही बर्डन सारा आ गया। ऐसा ही। अच्छा, प्राइवेट स्कूल्स में कोई क्वालिटी एश्योरेंस क्राइटेरिया कोई एजेंसी नहीं है जो उनसे जाके पूछे कि आप जो टीचर हायर कर रहे हैं वो आया कि कॉम्पिटेंट हैं, वो क्वालिफाइड हैं या नहीं, कोई है, नहीं, या कोई भी आके चौक पकड़कर या मार्कर पकड़कर बोर्ड पे खड़ा हो गया, वो बच्ची जिसकी शादी नहीं हो रही, जो जिसने सिर्फ इंटर किया हुआ है, वो गैप पीरियड के अंदर वो जाके स्कूल में टीचिंग कर रही है, नौकरी नहीं है, स्कूल में पढ़ा लो, ट्रेनिंग नहीं है, सब्जेक्ट पे एक्सपर्टीज होना और टीचिंग करना एक अलग साइंस है, क्लासरूम मैनेजमेंट बच्चों में इंस्टॉल करना, चीजों को ट्रांसफॉर्म करना, शेप करना, ये एक अलग साइंस है, एक अलग साइंस, सब्जेक्ट पे कमांड होना एक अलग साइंस है। चलो मान लिया कोई बच्चा तीन, जैसे भाई ने कहा कि तीसरी क्लास का बच्चा सातवीं में चला गया, एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सेप्शनल केस है, और उसके अगेंस्ट मेरे पास इतने केसेस हैं जो बेचारे इंटीरियर से मास्टर्स भी करके आए हैं जिनको पोस्ट ग्रेजुएट लिखना नहीं आता, दरख्वास्त लिखना नहीं, जिनको दरख्वास्त लिखना नहीं आती, जिनको सीवी बनाना नहीं आती, जिनको बात करना नहीं आती, जो प्रेजेंट नहीं कर पाते अपने आप को, ऐसे कितने केसेस हैं, हजारों केसेस हैं सर। बिल्कुल सही। मैं मेरा ओवरसीज एजुकेशन का काम था, यहाँ से लोग वीजा लेकर गए मास्टर्स प्रोग्राम पर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, जब वो वहाँ इमिग्रेशन पे पहुंचे ना वहीं से वापस हो गए। बिल्कुल, इमिग्रेशन ऑफिसर के पास डिस्क्रिशन पावर होता है, वो आपका वीजा सब कैंसिल कर सकता है, कितने केसेस वापस आए। हमारे मुल्क की बदनामी हुई, बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे इंटरव्यूज नहीं होते, जहाँ डॉक्यूमेंट्स बेस्ड प्रोसेसिंग है, और हमारे यहाँ जो डॉक्यूमेंट्स का हल किया जाता है अल्लाह माफ कर। बिल्कुल ऐसा ही, टेंपर किया जाता है, पता नहीं क्या क्या के बाद, और वो बेचारा जाके मास्टर्स भी करने चले जाता है। तो ऐसा ही चेयरमैन क्या किया उसने, आपके पर्चे पहले से आउट हो जाते हैं, आप अभी तक ये कंट्रोल नहीं कर सके यार। देखिए बात ये सरकार दो आलम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाज़ नबी है, तालीम साल हासिल करो, उसके लिए ख्वात में चीनी क्यों नहीं जाना पड़े। बात ये है कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर एक बात तो सराहने वाली है और अप्रिशिएट करने वाली है कि अभी दो साल पहले जो रिजल्ट आउट हुए, या दो साल से पहले तीन साल चार साल, ये पीछे प्रीवियस आप हिस्ट्री उठा लें, आज भी अगर कोई टॉप करता है ना तो वो पंचर वाले का बच्चा करता है, मैट्रिक में इंटर के अंदर आप देखें बर्फ़ वाले का बच्चा करेगा, कबाड़ी का बच्चा करेगा, टीन डब्बे वाले का बच्चा करेगा, वो जो एसी में सोता है, बड़ी गाड़ी में सोता है, गाड़ी में बैठता है, या एक इंडस्ट्रियल का जो है वो बच्चा है वो नहीं करता। तो एक तो बात ये है कि हमारे अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। देखिए बात होता है यासर भाई, मसाइल के साथ वसाइल भी मौजूद होते हैं। यहाँ कितने स्कूल ऐसे हैं, बलदियाती एक 2013 के बाद जो तय हुआ उसके अंदर जो डीएमसी के स्कूल थे वो डीएमसी संभालेगा,
डीएमसी, अब कराची की जिसकी कराची की बात करें, डीएमसी चार डिस्ट्रिक्टों के अंदर इस वक्त आज से कुछ महीने पहले एमकेएम के जो है वो चेयरमैन मौजूद थे, फिर डिप्टी मेयर कराची, मेयर कराची, फिर इसी तरीके से सैकड़ों की तादाद में काउंसिलर और यूसीओ के चेयरमैन ये मौजूद थे, जो इनकी एक जो है वो इंडस्ट्री जो इनको संभालते थे, स्कूलों की जो इंडस्ट्री थी जो इनकी जिम्मेदारी थी। होता ये है कि मसाइल, अब मैं थोड़ी सी मिसाल आपको दूं कि जो बजट होता है ना पूरे दिया जाता है कि ये बजट है आपका सिंध का, उस बजट के अंदर तरक्याती बजट भी मौजूद होता है, डेवलपमेंट चीज़ें भी मौजूद होती हैं, और खुदा ना खास्ता कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज़ हो तो उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती रियायत के तौर पर। हुआ ये कि मैं आपको बताऊँ, पिछले साल जो बजट हमें एलोकेट जो बजट दिया गया उस बजट के अंदर नहीं पता था कि 90 साल की बारिशों का रिकॉर्ड टूटेगा, कराची डूब गया, सर वो वसाइल कहाँ से आते, हम तो उस वक्त भी वजीर आजम साहब के देख रहे थे सर कुछ भेज दें और ना करें खुदा के लिए, कोई वो 1100 रुपए भेज दें, हमारा एनसी, हमारा जो आपके पास अवार्ड की रकम जो आपके पास निकलती है एनएफसी अवार्ड की जो रकम है 113 रुपए वही भेज दें, वो भी नहीं भेजते सर, वो कश्ती भेज दें जो सदर पाकिस्तान जब पोजीशन में थे तो वो चलाते थे कराची में, वही भेज दें। 13 साल के अंदर 10,300 और आप बोला हिसाब का है 1,300। अब वो देखे हुआ ये कि एक बारिशों से हम निकले नहीं, फिर टड्डी दल आ गया, सिंध में हारी, कैसान के साथ जो हालात बने वो खरबों अरबों रुपए का नुकसान हो गया, फिर ये कोरोना जैसी आलमी वबा आई, इस आलमी वबा के अंदर भी बात ये कि आज हमने डेवलपमेंट फंड जो है, तरक्याती फंड जो है वो रोक लिया है, एजुकेशन के अंदर यहाँ आलमिया ये है कि हम इस मुल्क के अंदर सिर्फ मैं सिर्फ कराची की बात नहीं करूँगा, इसमें हम असला क्लाशन कोफें पिस्तौलें हवाई जहाज रॉकेट लॉन्चर बनाने के लिए 1200 रुपये हमने रखा है, लेकिन एजुकेशन के लिए 1200 रुपये रखा है, तो ये तो हमें आपको सोचना है, उनको सोचना है जो वफाक में मौजूद है, अगर बम बनाने के लिए इतनी बड़ी रकम रखें और एजुकेशन के लिए 1200 रुपये रखें तो नुकसान किसका है, 1200 रुपये में क्या होता है, तो बहुत ज्यादा फिर क्या चीज़ हो सकती है। फिर बात ये कि क्योंकि अभी आपने बात की थी कोरोना की जैसी सूरत हाल में, अलहमदिल्ला हमें फ़खर इस बात यह कि हम एटमी ताकत हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, हमारे पास अल्लाह का दिया वो हर चीज़ मौजूद है, लेकिन हमें कुछ एजुकेशन के लिए भी फंड रखना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को कुछ कम करके कुछ इनकी इस तरफ लेके जाना पड़ेगा। कोरोना जैसी अब चौथी लेयर आ गई, लेकिन वो 200 रुपये नहीं आई जो इमरान खान साहब ने मारनी थी मुंह पे, इमरान खान साहब आएगी 100 IMF को मारेगी, 100 रुपये आवाम पे लगाएगी, खुदा के लिए वही मंगा ले कम से कम वो 200 रुपया। यासिर भाई देखें बड़े पेट्रोल की कीमत आप देख लें क्या हो गया, अभी ये ऐसे हालात में साथ देखें तो फिर अब एक बंदा बेचारा बिजली से लड़ रहा है, गैस से लड़ रहा है, गटर कचरा पानी पता नहीं सेहत की सहूलियत इन सब से लड़ते 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 बुनियादी चीजें, बुनियादी पानी बिजली गैस वफाकी हुकूमत की तरफ से, एक चीज फिर महंगाई महंगाई बेरोजगारी वफाकी हुकूमत की तरफ से। अब बात ये कि अब लोग हमें पीटते हैं सिंध हुकूमत को, सही है जी, अब बताइए हुकूमत तो है ना सर, देखें एक बार घर का जिम्मेदार तो एक घर का सरबरा ही होता है ना जैसे। अच्छा दूसरी बात ये, अभी स्कूल की जब मैं बात कर रहा था ना आपसे, ये इतनी सारी परेशानियों के बावजूद अब इन प्राइवेट स्कूल्स वालों से ये तो कोई पूछे, कोरोना में इन्होंने लोगों को रिलीफ क्या दिया है, लोगों की फीस की फीस लोगों की बनती जा रही है, लाखों रुपए फीस चढ़ गई लोगों के पास, जैसे ही कोरोना आता है स्कूल की मैनेजमेंट रिलीफ ईजी हो जाती है, जैसे ही कोरोना लॉकडाउन खत्म होने लगता है तो वो फिर से पेरेंट्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं, लाइन में इतनी फीस लें आपका ये, अब स्टेशनरी तक के चार्जेस लिए जा रहे हैं स्कूल से जबकि बच्चा स्कूल ही नहीं गया, नहीं गया भाई, 10-10, 20-20, 25-25 हजार रुपए चार्ज किए जा रहे हैं भाई, आपके 6 महीने हो गए 8 महीने हो गए ये फीस पहुंचा दें कोई स्टेशनरी बच्चों को जबकि प्रोवाइड नहीं। एक चीज और बहस वक्त का है, मैं आप इसी में शामिल कर लें उसको कि ये अभी पाकिस्तान में लोग शायद इससे वाकिफ नहीं है, क्रिकेट के अलावा कोई स्पोर्ट नहीं देखते, लेकिन ये इस वक्त पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट है ना जिसको ओलंपिक्स कहते हैं, दुनिया के सारी कमोबेश छोटे बड़े ममालिक उसमें जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, आपके पास खिलाड़ी नहीं है वहाँ पर भेजने के लिए। दूसरा ये कि एक बड़ी अच्छी बात सोशल मीडिया पर एक बहस चल निकली है, शुक्र है इसके जरिए ये बात तो सामने आई कि ये आप प्राइवेट इदारे जो है लाखों और करोड़ों रुपए स्पोर्ट्स के नाम पर ले रहे हैं, कोई एक ओलंपियन आप बता दें, ये आपका पड़ोसी मुल्क के अंदर एक इंस्टीट्यूट है प्राइवेट इंस्टीट्यूट, तो 86 के करीब उन्होंने सिर्फ एथलीट एक इंस्टीट्यूट से प्रोड्यूस किए जाके ओलंपिक में जाओ उस मुल्क के लिए जो है वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, फरमाइए ये हाल है आपके यहाँ तालीम से। यासिर भाई हमारे यहाँ तो सारे इदारे नेपोटिज्म का शिकार हो गए, हमारे यहाँ मेरिट की इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा, ये भी तो एक सवाल है, जो पेरेंट्स है जो लाखों करोड़ों रुपए स्पोर्ट्स की मद में ले रहे हैं, कोई एक वो नहीं करवाते ये साल के अंदर एक ऐसी नुमाइशी मैच या टेप टेनिस का जो बच्चों को स्कूल के ग्राउंड में खिला के फेसबुक और उसके ऊपर लगा कर ये इनका काम पूरा हो जाता है, इसके अलावा और क्या कर रहे हैं? हमारी प्रायोरिटीज डिफरेंट है, हमारी तरजीहात में नहीं है एजुकेशन ना स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स कितनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, कितने मैं बताऊँ कि हमारे मेरे अपने एरिया में केएमसी का कॉम्प्लेक्स है जिसपे करोड़ों रुपए खर्च हुए, करोड़ों रुपए खर्च हुए, आज वो अबंडेंट पड़ा हुआ है। अच्छा हम एक तो एक तरफ तो हमने इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को प्रमोट नहीं किया जी,
सही है, इसका फंड बराबर हम खा रहे हैं सारे सब सब जगह फंड खा रहे हैं। दूसरा इसके नतीजे में क्या हुआ, वो जो हमारी यूथ है एक तो पढ़ाई से भी फारिग, स्पोर्ट्स से भी फारिग, बहुत गंदी नशे के अंदर। ऐसा ही है, अच्छा नशा सबको पता है कहाँ से आ रहा है, ऐसा ही कहाँ से आ रहा है, वो आप वो नहीं रोक रहे, आप पकड़ रहे तो किसको, वो जो 500 रुपए की लेके पीने वाला उसको पकड़ के बंद करते हो, वो जाता है जेल, फिर और स्ट्रॉन्ग होकर आ जाता है, वापस आ जाता है। यानी आप कोर प्रॉब्लम्स इनकी, क्योंकि धंधे चल रहे हैं, इन्होंने इन चीजों को एड्रेस नहीं करना, जब तक लूट खसूट होती करनी है, इसको रोकथाम नहीं करनी, आगे जाना है, स्पोर्ट्स को प्रमोट नहीं कर रहे, कोई भी एथलीट नहीं भेज सके आज तक, कैसे भेजेंगे आप, मेरिट पे फैसले नहीं होते आपके, नेपोटिज्म पे आपके फैसले होते हैं, जो मेरिट अब सरफराज के साथ भी, अब एक नई डिबेट जाएगी, मैं जाऊंगा किस किस को रोएंगे, यहाँ तो मामला ऐसे ही नजर। बिल्कुल ठीक है, इरफान खान साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त आपने दिया। नहीं मामान साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लाए, प्रोग्राम में हमसे बात की, बात हो रही थी कोरोना वायरस के हवाले से, मौसी मामला के हवाले से, और साथ साथ ये आखिर में जो एजुकेशन का जो मामला है सबसे ज़्यादा अहम है, इसके ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू होती रहती है। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, फिर दूसरा सेगमेंट हमारा उसका आगाज़ होगा। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।